सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज क्वेश्चन नंबर वन के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। द इनागुरल अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 फॉर इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस कॉल्ड अफिंडेक्स 19 स्टार्टेड इन व्हिच सिटी और यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है पुणे। पुणे में ये इनागुरल अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019 शुरू हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू। द थर्ड इंडो जापान वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन वॉज हेल्ड इन व्हिच सिटी और यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड इसका भी आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में थर्ड इंडो जापान वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन वॉज हेल्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडियाज एक्जिम बैंक फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट LOC फॉर $800 million टू फाइनेंस द न्यू गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक तो MOU साइन किया है एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि $800 मिलियन फाइनेंस कर सकते हैं, जैसे करके इंडिया के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत सुधार किया जा सके। हाँ तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर। हाउ मच अमाउंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल फॉर मॉनिटरिंग सैंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर फेम टू प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है 10,000 crore। कितना? 10,000 crore कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ HRD साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU विथ व्हिच कंट्री टू वर्क ऑन डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है अफगानिस्तान। इंडिया के HRD मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक तो MOU किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ताकि वहाँ के डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओला हैज साइंड एन MOU विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है तेलंगाना। तेलंगाना के साथ ओला ने एक तो MOU साइन किया है ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके हैदराबाद के ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रोपेक्स 19 एक्सरसाइज हेल्ड इन व्हिच सिटी। ये जो ट्रोपेक्स 2019 एक्सरसाइज है वो कौन से सिटी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है कोची। कोची में हुआ था ट्रोपेक्स 2019 एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे व्हिच सिटी इज रेटेड एज द चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है काराकस। काराकस होता है सबसे चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग सर्वे 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फिगर हैज क्रॉस्ड हाउ मच अमाउंट हेल्प बाय द फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है ₹10 lakh crore। कितना? ₹10 lakh crore। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एशियन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी व्हिच कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है थाईलैंड। थाईलैंड में होगा एशियन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which IPL franchise launched its first cricket academy in the United Kingdom? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अपने फर्स्ट क्रिकेट अकेडमी खोला है यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which team won their first Indian Super League title? कौन से टीम जो कि इंडिया के इंडियन सुपर लीग का फर्स्ट टाइटल जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है बेंगलोर फुटबॉल क्लब। कौन? बेंगलुरु FC ने जीता उसका पहला इंडियन सुपर लीग टाइटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनेक्स ओपन 2019 हेल्ड इन व्हिच सिटी। यूनेक्स ओपन 2019 कौन से कंट्री में हुआ था? तो इसका हो जाता है आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हुआ था यूनेक्स ओपन 2019। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है चाइना। चाइना ने टॉप किया ये टेबल को और इंडिया सेकेंड नंबर पायदान पे आई 26 मेडल के साथ और चाइना ने जीती 31 मेडल एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज अपॉइंटेड ए चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है के एम ममेन हुए हैं चेयरमैन कहाँ के आत्मा के चेयरमैन और आत्मा का मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग FOST एट कोची? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है कृष्णा स्वामीनेथन को ये चार्ज मिला है एज फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फॉर्मर IAS ऑफिसर साफ हेजल? साफ हेजल जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है, उन्होंने अभी एक तो पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट किए हैं, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक तो पार्टी है जो कि हमारे फॉर्मर IAS ऑफिसर साफ हेजल ने क्रिएट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे रीअपॉइंट किया गया? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है किरण मजुमदार सर को रीअपॉइंटेड किया गया है ताकि एक तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस के हिसाब से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच कॉम्पेंसेशन हैज बीन पेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB टू द BCCI एज आफ्टर लूजिंग ए केस इन द ICC's डिस्प्यूट रिजोल्विंग कमिटी? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है $1.6 million। इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज कॉम्पनसिएशन BCCI को पेड करना पड़ा था। वो इसलिए पे किया ताकि वो ICC के यहाँ एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के द्वारा एक तो केस हारने की वजह से उसे $1.6 million उसे इंडिया के BCCI को पेड करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड स्पैरो डे? कौन से दिन को वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है 20 मार्च। आज के दिन वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।